सोयाबीन में खरीदारी या बिकवाली देगी मुनाफा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका में सोयाबीन की फसल की स्थिति जैसे ही बदल रही है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण फसल की स्थिति में सुधार हो सकता है, तो इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन का भाव कैसा रहेगा? क्या घरेलू बाजारों में सोयाबीन की कीमत में बदलाव आएगा या फिर देश में सोयाबीन की कीमतें कैसी रहेंगी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सोयाबीन के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में खेती के क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई है और उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिली है। इसके कारण ब्राजील सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। अमेरिका में सोयाबीन की फसल इस साल सूखे से प्रभावित है। वहीं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा है कि पिछले हफ्ते मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई बारिश से बढ़ती फसल को फायदा हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिकी बारिश से फसल को फायदा होने की संभावनाओं के चलते सीबोर्ड पर सोयाबीन वायदा थोड़ा गिर गया। हालांकि उत्पादन बढ़ने की संभावना के चलते लॉन्ग टर्म पोजीशन कम हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन देश में सोयाबीन का बाजार भाव के स्तर पर ही है। पिछले दो महीने में सोयाबीन की कीमत 6000 रुपए से 6300 रुपए तक कारोबार कर रही है। जानकारों का कहना है कि देश में सोयाबीन वायदा पर लगी रोक के चलते भविष्य में कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दिन की कीमतें बाजार शुरू होने के बाद ही पता चलती हैं, इसलिए सोयाबीन की खरीद बिक्री जरूरत के हिसाब से की जाती है। जानकारों का मानना है कि इस साल देश में सोयाबीन का उत्पादन कम होने और सोयाबीन की अधिक उपलब्धता और सोयाबीन मील का कम निर्यात के कारण सोयाबीन बाजार दबाव में ही रहेगा। प्रदेश की महत्वपूर्ण लातूर मंडी समिति में सोयाबीन का भाव 6000 से 6300 रुपए तक देखने को मिल रहा है, जबकि अकोला मार्केट में 5800 से लेकर 6000 रुपए के बीच व्यापार हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर की सबसे बड़ी मंडी में सोयाबीन 6000 से 6350 रुपए तक बिक रहा है। इन बाजारों में बाजार मौजूदा रेट के आसपास ही घूम रहा है। सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में न ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और न ही ज्यादा गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि नए सीजन में भी सोयाबीन की कीमतें इसी स्तर पर बनी रह सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।